Welcome students in Khushinder sir classes. Students, today we will read the ball poem written by John Berryman. Students, the ball poem is about a young boy who loses his ball. He becomes upset over the loss of the ball. यहाँ पर student जो ball poem है वो एक John Berryman ने लिखी है और इसमें जो एक लड़का है वो अपनी बॉल को खो देता है और उसके खोने पर वो बहुत अपसेट हो जाता है उस बॉल के लॉस पर. ऑल्दो द पोइट रियलाइजेज दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद द लॉस बट इट मस्ट बी डन. यद्यपि द पोइट महसूस करता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि ये बड़ा ही कठिन है कि जो लॉस है उसको कॉप करना, उससे निबटना, बट इट मस्ट बी डन, लेकिन फिर भी इसका हमें सामना करना चाहिए, इससे हमें उभरना चाहिए. बिकॉज इफ़ वी रिमेंबर द पास्ट थिंग्स देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स इन आर वे. यदि हम अपनी पुरानी पास्ट की बातों को याद करते हैं तो कुछ बाधाएं हमारे रास्ते में आएंगी एंड वी कैन नॉट गो अहेड और गेट सक्सेस इन आर लाइफ, और हम फिर आगे नहीं जा सकते और ये हमारे जीवन में बाधाएं बनी रहेंगी और हम अपने जीवन में तरक्की नहीं पा सकते. इसलिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एंड वी शुड फॉरगेट इट नाउ, हमें इसे भूलना चाहिए. वी शुड मूव ऑन एज देयर इट इज़ नो यूज़ इन वेस्टिंग आर प्रीसियस टाइम. जैसा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं कि हम जो है अपना टाइम, बहुमूल्य समय, उसको हम व्यर्थ करें, वेस्ट करें. बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है. सो वी मस्ट मूव ऑन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, इसलिए हमें समय के साथ साथ और चेंजिंग टाइम के साथ साथ चलना चाहिए. नाउ स्टूडेंट वी कैन से द पोइम इज़ इन फ्री वर्स. अब हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि जो पोइम है वो फ्री वर्स में है. एंड द पोइट यूजेज अ गुड कम्बिनेशन, यहाँ पर पोइट ने एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन किया है ऑफ द टोन, टोन का, सिम्बोलिज्म का, इमेजरी का, विद द बिगनिंग एनाफोरा. जैसा कि पोइम एनाफोरा से स्टार्ट होती है, व्हाट वर्ड से स्टार्ट होती है, सेकंड लाइन में भी व्हाट वर्ड है. ऑल्दो यद्यपि द टोन इज़ डिप्रेसिंग, यद्यपि जो पोइम की टोन है वो डिप्रेसिंग वाली है, उदासी वाली है. एंड द लॉस ऑफ द बॉल सिम्बलाइज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, यहाँ पर जो बॉल का जो नुकसान होना है वो यहाँ पर सिम्बलाइज करता है लॉस ऑफ चाइल्डहुड को. एंड लाइक द बॉल द लॉस्ट चाइल्डहुड कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, जिस प्रकार से बॉल खो गई है उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जो बचपन के दिन व्यतीत हो गए हैं उन्हें हम वापस नहीं प्राप्त कर सकते. नाउ स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट द पोइम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स इन द बाल पोइम रिटन बाय जॉन बेरीमैन, अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक लड़का अपनी गेंद खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान है. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, एक गेंद हालांकि ज़्यादा कीमत नहीं रखती. नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही ये कोई ज़्यादा कठिन है कि दूसरी बॉल खरीदना. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर क्यों लड़का इतना उदास है. रीड द पोइम टू सी वट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, पोइम को पढ़ो ये देखने के लिए कि पोइट क्या सोचता है कि उस लड़के ने क्या खो दिया है. एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और क्या उस लड़के ने सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, जो भी कुछ चीज़ उसने खो दी है उसके अनुभव से उस लड़के ने क्या सीखना है. इन दिस पोइम लेट अस डिस्कस. स्टूडेंट्स द पोइट सीज अ बॉय, यहाँ पर पोइट एक लड़के को देखता है प्लेइंग विद द बॉल, जो कि एक गेंद के साथ खेल रहा है. द बॉय लूजेज हिज बॉल, लड़के ने अपनी गेंद खो दी है. एंड द पोइट आस्क द बॉय व्हाट शुड ही बी फीलिंग नाउ, कि अब उसे कैसा अनुभव हो रहा है. नाउ लेट अस एक्सप्लेन लाइन टू लाइन ऑफ द पोइम इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ हेयर मीन्स
अब वो लड़का कैसा है, वह लड़का अब कैसा है, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वह लड़का कैसा है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है, व्हाट इज ही टू डू, इट मींस व्हाट विल द बॉय डू नाउ, कि अब लड़का क्या करेगा, आई सा इट गो, मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा, मेरिली बाउंसिंग, मेरिली स्टूडेंट्स जॉयफुली, बाउंसिंग हेयर मीन्स अप एंड डाउन मूवमेंट, मेरिली हेयर मीन्स हैप्पीली और बाउंसिंग हेयर मीन्स अप एंड डाउन मूवमेंट जनरली ऑफ अ बॉल डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि मैंने उस गेंद को आनंदपूर्वक उछलते हुए नीचे गली में जाते हुए देखा, डाउन द स्ट्रीट, एंड देन और तब, मैरिली ओवर देयर, इट इज इन द वॉटर, और फिर वह उस खुशी से या उसी तरीके से वहाँ पानी में जा गिरी, यानी कि वो गेंद पानी में जा गिरी, इन द सेम वे इट हैज फॉलन इन टू द वॉटर एंड लॉस्ट फॉर एवर, और फिर सदा के लिए खो गई। इन दिस स्टेंजा स्टूडेंट्स द पोइट डजेंट वॉन्ट टू कंसोल द बॉय बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ इट। नाउ लेट अस रीड इट। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल्स, कि इस बात को कहने का कोई फायदा नहीं कि उसे पोइट जो है दिला दे या उसे दिलासा दे कि उसे दूसरी बॉल मिल जाएगी। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, सेकिंग हिला देने वाला, और ग्रीफ दुख दर्द, सेकिंग ग्रीफ मीन्स सैडनेस विच अपसेट्स एंड सैडनेस द बॉय ग्रेटली, और हेयर अल्टीमेट हेयर मीन्स स्टूडेंट्स फाइनल अंत में, फिक्सेस हेयर मीन्स मेक्स द बॉय स्टैंड स्टिल एंड शॉक द बॉय। तो हेयर इट मीन्स स्टूडेंट्स कि इस बात का कहने का कोई फायदा नहीं कि पोइट उसे ये दिलासा दे कि उसे दूसरी बॉल मिल जाएगी, और एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और अंत में हिला देने वाला दुख उस लड़के को जकड़ लेता है, उस लड़के को जकड़ लेता है, एज ही स्टैंड रिजिड, रिजिड हेयर मीन्स जकड़ लेना, रिजिड हेयर मीन्स स्टिफ मोशनलेस, और अंत में उस लड़के को हिला देने वाला दुख फिक्स कर देता है और वो वहाँ पर खड़ा रह जाता है रिजिड होकर, रिजिड होकर मीन्स मोशनलेस होकर के खड़ा रह जाता है, या वो वहाँ पर वो निश्चल होकर के खड़ा हो जाता है, ट्रेम्बलिंग हेयर मीन्स स्टूडेंट्स कांपना, शेकिंग विद ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, स्टेरिंग डाउन का मतलब हेयर मीन्स लुकिंग बैक, और वो वापस देखता है या घूर करके नीचे देखता है। तो स्टूडेंट्स जो लड़का है वह निश्चल होकर कांपता हुआ और उस स्थान को घूरता हुआ नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज हेयर मीन्स चाइल्डहुड डेज, उसके वे सभी बचपन के दिन, इन टू द हार्बर मीन्स उस जीवन रूपी बंदरगाह में चले गए हैं, वेयर हिज बॉल बेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई, उसकी बॉल खुशी से उछलते हुए वो गली में से होते हुए उस पानी में जागरी, अर्थात बंदरगाह के उस पानी में जागरी, और वो सदा के लिए खो गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कि उसके बचपन के दिन, यानी कि उस बच्चे के बचपन के दिन भी जीवन रूपी बंदरगाह में चले गए या लुप्त हो गए, जैसे गेंद बंदरगाह में जाकर के खो गई, बंदरगाह के पानी में जाकर खो गई,
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इससे पहले स्टूडेंट्स, इट मीन्स द हार्बर रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज विच हैव बीन लॉस्ट इन टू द हार्बर ऑफ लाइफ. यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस लाइन में आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम कि पोइट जो है doesn't want, the poet doesn't want to interference in the matter of boy by saying that he can buy another ball easily. यहाँ पर poet बिल्कुल भी, वो poet जो है बिल्कुल दखल देना नहीं चाहता, intrude, interfere, interfere करना नहीं चाहता, या try to argue with the boy, उस लड़के के साथ तर्क वितर्क करना बिल्कुल नहीं चाहता. आर डिम, डिम हेयर मीन्स 10 US cents होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत कम कीमत यानी कि मामूली सी कीमत. वो ये कहना चाहता है कि पोइट ये कहना चाहता है कि ही कैन बाय अनोदर बॉल इजीली, कि वो एक दूसरी बॉल आसानी से खरीद सकता है, यानी कि जिसकी कीमत US के 10 cents के बराबर है. और इज worthless, worthless here means is not so important, जो ज़्यादा important भी नहीं है. यानी कि कवि कहता है कि वह इस लड़के के मामले में दखल देना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वह सस्ती जो गेंद है, और एक सस्ती कीमत वाली गेंद पर वो दुखी ना हो, क्योंकि वो सब बेकार है. उस सस्ती सी गेंद पर दुखी होना बेकार है, क्योंकि वो इसके बदले में दूसरी बॉल भी खरीद सकता है, अर्थात उसी खोई हुई गेंद की जगह पर नई गेंद खरीदी जा सकती है, यानी कि नई गेंद खरीद लेगा. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बात कहना चाहता है पोइट, कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, सेंसेस, senses here means considers, और first responsibility, responsibility here means sense of duty, जिम्मेदारी, क्योंकि वह लड़का समझता है कि उसकी पहली जिम्मेदारी अर्थात उत्तरदायित्व क्या है. He senses, यानी कि कवि ये सोचता है कि उससे तर्क वितर्क करने में कोई फ़ायदा नहीं है, एक कम सस्ती सी कीमत वाली गेंद वो दूसरी भी खरीद सकता है, परंतु अब He senses first responsibility. वह जो लड़का है उसे उसकी पहली जिम्मेदारी अर्थात उत्तरदायित्व क्या है. और in the world of possessions, here students, possessions here means a world where everybody is attached to his or her things to own and possesses it exclusively. यहाँ पर students, सीधी सी बात है कि चीज़ों के हासिल करने वाले संसार में, वेयर द पीपल आर मच अवेयर और बिजी इन पॉसेसिंग थिंग्स, जहाँ पर जिस संसार में हर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है अपने स्वयं की वस्तुओं को अपने ग्रिप में करने के लिए, अपने खींचने के लिए, अपने पास रखने के लिए, अपने पास प्राप्त करने के लिए, इस संसार में जहाँ पर जिस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी चीज़ों को अपने ग्रिप में रखना चाहता है, तो इस जिम्मेदारी वाले संसार में उस लड़के को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, अपनी जिम्मेदारी को उसे समझना होगा. द पीपल विल टेक बॉल, लोग गेंद खरीदेंगे, और पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद खोती रहेंगी. It means people will buy balls and they purchased balls will continue to be lost. It means buying and losing continuous throughout to the life of people. कि यदि कोई गेंद खो गई है तो वह वापस नहीं आ सकती. तो little boy, यहाँ पर देखिए students, कि people will take ball, लोग गेंद खरीदेंगे, and ball will be lost always, गेंद खोती रहेंगी. little boy, लेकिन छोटा लड़का, and no one buys a ball back, लेकिन कोई भी खोई हुई गेंद
जो खो चुकी है तो वह वापस नहीं आ सकती, वह वापस नहीं आ सकती। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल हेयर मीन्स आउटवर्डली। पैसा तो बाहरी है, आंतरिक जो फीलिंग है यानी कि जो अंदर की जो फीलिंग है किसी चीज़ को खो जाने की, तो वो रिप्लेस नहीं हो सकती, उन्हें वे रिप्लेस नहीं कर सकते। मनी कैन नॉट कंपनसेट आर इमोशनल लूजेज, जो हमारी अंदर की भावनाएं खो चुकी हैं, जो हमारे बचपन के दिन खो चुके हैं, उन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पोइट ये कहना चाहता है कि उस लड़के को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि कोई भी चीज़ जो खो जाती है वो वापस नहीं आती। इन दिस स्टेंजा स्टूडेंट्स ही इज लर्निंग। लर्निंग हेयर मीन्स स्टूडेंट लर्निंग अ लेसन ऑफ हाउ टू बियर द लॉस कॉलमली वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट। डेस्परेट हेयर मीन्स विद नो होप लेफ्ट और डिस्पेरिंग। हेयर मीन्स स्टूडेंट्स वह लड़का अपनी बेकरार आशाहीन आँखों से हानि की जो ज्ञान मीमांसा है उसको वो सीख रहा है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, वो अपनी आशाहीन आँखों से द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी हेयर मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, जो खो जाने की प्रवृत्ति होती है उसको यानी कि ज्ञान मीमांसा को सीख रहा है। एंड हाउ टू स्टैंड, और कैसे खड़े होते हैं। हाउ टू स्टैंड, स्टैंड अप मीन्स फेस या कॉप विद, वियर फेसिंग द लॉस ऑफ डियर थिंग्स इज अ कॉमन फीचर्स एवरीडे इवेंट इन लाइफ। एवरीवन फेसेस सच अ सिचुएशन एंड रिपीटेडली टू, एंड दे फाइनली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस एंड व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। हेयर मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी इट मीन्स ज्ञान को सीखना चाहता है, जो खो जाने का जो नेचर है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस है, या जो नॉलेज है कि खोने से जो खोने का जो ज्ञान, खोने का जो लॉस है उसको वो किस तरीके से कॉप करेगा, हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से उससे उभरा जा सकता है, यानी कि किस प्रकार से खोई हुई चीज़ के नुकसान से कैसे उभरा जा सकता है, उसे भी सीखना होगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी कि जैसे कि इस संसार में हर व्यक्ति सीख सकता है या उसने सीखा है कि जैसे कि उसे भी सीखना होगा। Knowing what every man must one day know, जैसे प्रत्येक व्यक्ति ने खो जाने के बाद वो फिर दोबारा से खड़ा हुआ है, यानी कि उस लॉस से ही नहीं चिपका रहा, उसको उसने फॉरगेट किया, भुलाया, और उसके बाद वो अपने जीवन में आगे सक्सेस के पथ पर चला, उसे भी यही सीखना होगा। एंड मस्ट नो मैनी डेज, एंड मस्ट नो मैनी डेज एंड हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि उसे भी सीखना होगा जैसे संसार का हर व्यक्ति सीखता है कि जैसे कि बचपन के दिन या गंवाने के बाद किसी चीज़ को किस प्रकार से हिम्मत से जीवन में खड़ा हुआ जाता है, इस बात को उसे सीखना होगा। स्टूडेंट्स पास्ट की चीज़ों को हमें याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वी विल बिकम डेस्परेट, हम निराश हो जाएंगे और वी विल नॉट गेट द सक्सेस। इसलिए वी वॉन्ट टू फॉरगेट द पास्ट थिंग्स, हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी विल रिमेंबर देम वी विल बिकम सैड, हम उन्हें याद करेंगे और दुखी हो जाएंगे। एंड ऑलवेज क्लिंगिंग विद देम, उनके साथ हम चिपके रहेंगे, एंड वी कांट गो अहेड, और हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते, वी कांट गेट द सक्सेस इन आर लाइफ। लेट अस डिस्कस स्टूडेंट्स लिटरेरी डिवाइसेस। स्टूडेंट्स इन द वेरी फर्स्ट लाइन देयर इज व्हाट इज द बॉय नाउ, एंड इन नेक्स्ट लाइन व्हाट इज ही टू डू। Now students, here anaphora is a literary device.
in which the writer repeats the same beginning of a clause or a sentence. Just like you can see what is the boy now and what he is to do. It means both lines have been started with the word what. It means anaphora is a literary device here, but another literary device is here in the second line, what, that is called repetition. It means repetition is using a word, phrase or clause a number of times with the purpose of emphasize or to provide unity to the poem. Now you can also come to know about these two lines. Students, in next, bal, also you can there, bals, you can also see here, there is the alliteration, bals will be lost always. Now you can also come to know, bals will be lost always. It means bal, this is the repetition also, but another rhyme scheme is here. The poet has repeated B sound. Okay, students, bals will be bals repetition and will be, there is the alliteration. And in the same way, no one buys a ball bag. Ball or buys, here is the repetition of B sound. It means B sound has been repeatedly, which makes the expression musical. So in the same line, repetition or alliteration has been used, but alliteration buys a ball, here B has been repeated. And in the same thing, shaking grief, students, shaking grief, hila dene wala, yani ki kap kapi dene wala, shaking grief. In this line, students, you will come to know shaking grief here. Shaking grief mein aap dekhe ki it is not the grief that shakes but the boy here. देखिए, ग्रीफ से पहले एडजेक्टिव दिया गया है, तो व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज यूज्ड नॉट विद द नाउन विच इट नॉर्मली क्वालिफाइज, ओके, बट विद सम अदर नाउन. Okay, student, now you can consider it before noun. If the qualifying word is given or the adjective is given, then there will be transferred epithet. Now in next line, epistemology of loss. In this, how to stand up, there is the repetition. How to stand up in the last line, how to stand up. Now the poet repeats the expression how to stand up to bring home the idea that one must accept a loss bravely. Okay, students, there is also the repetition. Now in next line, Bal, here is the, you know very well, ball, we are talking about the poem also. Ball has been used as a symbol or expression. From where, any line, you can also take it. We are talking about ball in this poem. It means symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning that are different from their literary meaning. Now just ball has been used as a symbol of the possessions or a person may have. So in this way we will take it as a symbolism. Now next is also here personification.
Now personification, you know very well. Now this ball is also merrily bouncing. In this line you can also take merrily bouncing. It means when the non-living things behave or acts like a living thing, that is called personification. Here the ball has been personified as the expression merrily bouncing. यहाँ पर वो खुशी से उछल रही है. इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स जो है बिहेव कर रही है लिविंग थिंग की तरह. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर स्टूडेंट, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन वेरी फर्स्ट लाइन. हेयर इज द फर्स्ट लाइन. वट इज ही टू डू, वट इज ही टू डू. सॉरी, इन सेकेंड लाइन यू कैन ऑल्सो टेक और merrily bouncing over. It means it is a poetic device in which a line runs on to the next line or lines carrying on the idea without a punctuation mark, a comma or a full stop at the end of the line. So that's why student there will be enjambment, enjambment, enjambment. Okay students, in next line also you can take an ultimate shake, an ultimate shaking as he stands and all his young days his wall band. Now in the both these examples lines run on to the next without a punctuation mark. So at the end to show a pause. That is called enjambment. 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 Now if we talk about the rhyme scheme. Now students, it is written in free verse. Okay. Students, I hope that you have learned it very well. If you have learned and understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day students.